और हम लोग भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। जेबीके के साथ हम लोग कभी ना गए हैं तो कभी जाएंगे। हम लोग को बोला नरेश के आए एक सामूहिक रूप से हम लोग एक बैठक करेंगे। ये नरेश हम लोग को बरगला के हम लोग को ले गए हैं, ये गलत किया। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़ा जोड़ पंचायत के एक भवन में बीते कल जेबीकेएसएस संयोजक जयराम महतो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक बैठक आयोजित किए। बैठक की अगुवाई जिला परिषद सदस्य नरेश रजवा ने किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में जेबीकेएसएस के नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी, चिंतनशील लोग शामिल हुए। लेकिन बैठक के बाद हुआ यूं कि शामिल हुए लोगों को अब पार्टी से पदाधिकारियों को समक्ष सफाई देना पड़ रहा है। दरअसल जिला परिषद की बैठक कर भारी भीड़ जुटाने में सफल रहे, लेकिन बाद में बैठक का राजनीतिक रूप देखकर भाजपा, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों का जेबीकेएसएस में शामिल होने का दावा किया गया। इसके बाद बैठक में शामिल हुए लोगों को मीडिया के समक्ष बयान जारी कर जिला परिषद सदस्य नरेश रजवार पर पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं, जो नरेश रजवार पर भारी पड़ता दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुबोध गुराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नरेश रजवार पर जमकर हमला बोला। कहा, हम लोग का जिला परिषद, हम लोग जिला परिषद के माध्यम से हम लोग एक बुलाव रखा गया था ताकि हम लोग एक समीकरण बचाव रखेंगे जिला परिषद को। हम लोग कोई नहीं जम करेंगे जेबी कैसे बजट है और भाजपा उसमें जेबी कैसे में एक को शामिल नहीं। उसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है कि आप एक प्रकार से जेबी कैसे का सदस्यता ले चुके हैं? नहीं, ये सरासर गलत है और हम लोग भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। जेबी कैसे के साथ हम लोग कभी ना गए हैं तो कभी जाएंगे। हम लोग को बोला नरेश के आए एक सामूहिक रूप से हम लोग एक बैठक करेंगे। ये नरेश हम लोग को बरगला के हम लोग को ले गए हैं, ये गलत किया। ये जिला परिषद को भी हम लोग आने वाला दिन एक हम लोग चुनौती, इसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार है और भाजपा बहुत अच्छा सा उसको हम लोग तैयार जवाब देंगे। क्या बोले थे आप लोग को बैठक के नाम पर, क्या बोल करके बुलाया गया था? आइए हम लोग वो ऐसा ही जैसे मान लीजिए अभी चापाकल के बारे चल रहा है पूरा ही, अब गाँव गाँव में हम लोग चापाकल कहाँ देना है नहीं देना है इसी एकदम से हम लोग बुलाव रखा गया था मंडल में कि आइए हम लोग समुदाय भवन में पहुँचा रखे आए और उसके बाद आपका जेबी के का चेहरा आए और बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग सदस्य हम लोग नहीं हम लोग भाजपा एक सदस्य हम लोग ग्रहण किए न करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार का राजनीतिक एक प्रकार से अच्छी राजनीति कर रहे हैं जिला परिषद? जिला परिषद अपना राजनीतिक जो भी करे वो हम लोग उसमें हम लोग का मायने नहीं, हम लोग का मायने भाजपा आयुषु गठबंधन हम लोग है लोकसभा में जैसे हम लोग निभाए आने वाला दिन भी हम लोग वैसा निभाएंगे और भाजपा का जीत निश्चित है और भाजपा जीतेगा चंदन क्यारी और तो फुल गारंटी है। चुनाव जो जो आ रहे थे तो एक प्रकार से जेबी कैसे यहाँ पे सक्रियता अपना निभाते जा रही है, सक्रिय होते जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? जेबी कैसे क्या आने वाला लोकसभा में देख लिया वो डेढ़ का मत जैसे 35,000 वोट मिला, 35,000 वोट में सोचा कि हमें वो विधायक बन जाए। हम लोगों के पास तो एक 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोट में हम लोग एकदम निश्चित रूप से हम लोग को भाजपा अमर बारी जीता है, अभी भी जीता है, गोलू महतो जीता है और आने वाला दिन विधानसभा में हम लोग भाजपा का जीत निश्चित है, तो कोई दो मत नहीं।